আমার মন দূরে কোথাও পাহাড়ে হারিয়েছে। হ্যাঁ, আমার মন দূরে কোথাও পাহাড়ে হারিয়েছে। न जाने कौन सा नशा है इन वादियों में कि मैं बार बार खींची चली आती हूँ। मैं बोल के नहीं समझा सकती कि ये नशा क्या है। चलिए आज मेरे कैमरे के ज़रिए मैं लेकर चलती हूँ छांगे वाटरफॉल। छांगे वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन ऑफ नॉर्थ बंगाल, स्पेशली मानसून में। इसको आप ऑर्बिट दार्जिलिंग बोल सकते हो। एनजेपी से छांगे वाटरफॉल 140 किलोमीटर है। एनजेपी टू लावा 100 किलोमीटर, दैट मीन्स 3 आवर्स का रोड ट्रिप। और आपकी इस रोड ट्रिप को यादगार करने की पूरी साजिश ये नेचर करने वाली है, मेरा ये पक्का वादा है। मेरा दिल कहीं दूर पहाड़ों में खो गया। देखा आपने, ये होगा आपका रोड ट्रिप। सिलीगुड़ी से लाभा जाने के लिए किसी विट्ठल बस स्टैंड से लोकल ट्रांसपोर्ट मिल जाएगा, या फिर आप प्राइवेट कार हायर कर सकते हो। कार रेट 2500 से 4000 के बीच में रहता है, डिपेंडिंग ऑन कौन सा कार आप ले रही हो। दिन लाभा से जो रास्ता छांगे वाटरफॉल तक जाएगा वो नेवरा वैली नेशनल पार्क से होता हुआ जाएगा। इस रोड पे आपको मिलेंगे ओक और रोडोडेंड्रॉन की घने जंगल। लाभा टू छांगे ये रास्ता आपको प्राइवेट कार से ही जाना पड़ेगा। पहाड़ों में खो गया, उससे मिले हुए मुझको तो अरसा हो। ये एडवेंचरस रोड ट्रिप के बाद आपको मिलेगा एक छोटी सी गांव जिसका नाम है कोलाखम। यहाँ पे कुछ होम स्टेज आपको मिल जाएंगे। अगर आप मेरी तरह पीस सीकर हो या फिर आप लोग हनीमून कपल हो तो दिस इज द बेस्ट प्लेस टू स्टे। कोलाखाम में कुछ वक्त बिताने के बाद और मोमोज खाने के बाद हम लोग निकल पड़े छांगे की तरफ। यहाँ से छांगे 4 किलोमीटर का रास्ता है। गाड़ी रोड साइड पार्क करना पड़ता है, फिर पैदल अप्रॉक्सीमेटली 30 मिनट टू 40 मिनट आपको वॉक करना पड़ेगा। नीचे उतरते वक्त तो बहुत मज़ा आया, लेकिन ऊपर आते वक्त मेरी हालत ख़राब हो गई थी। यूं ही चला यही दिल गा रहा था पूरा रास्ता। फिर हम पहुँचे छांगे वाटरफॉल, और मैं क्या बोलूँ, मैं बस उसकी खूबसूरती देख करके दंग रह गई। और बोलने और सुनने का तो कुछ रहा नहीं, क्योंकि इतना शोर था कि मुझे खुद की आवाज़ खुद के कानों तक नहीं पहुँच पा रही थी। हाँ, ये अलग बात है कि नीचे जाते वक्त मैं 2 बार फिसल गई, देखोगे। ये रहा 1 और ये रहा 2। चलो हिसाब किताब बराबर।
देखा आपने, यहाँ आते हो बारिश के मौसम में तो बहुत सावधानी के साथ पैर रख करके और संभाल करके चलना पड़ेगा। मेरी तरह फिसल मत जाना। ये तो बहुत नाइंसाफ़ी है दोस्तों कि मैं सारी चीज़ ऐसे बोल के बयां करूं या फिर कैमरे के ज़रिए देखो। यहाँ पर तो आपको आना ही पड़ेगा अगर आप एडवेंचर लवर हो तो। यहीं पर शाम होने को था और फिर क्या, हम लोग निकल पड़े घर की तरफ। और शाम के वक्त ये जंगल के रास्ते से लौटना सच में और ज़्यादा एडवेंचरस और ज़्यादा थ्रिलिंग। क्या मज़ा आने वाला है अगर आप लोग आते हो तो। कैसा लगा छंगी? बहुत खूबसूरत ना? डोंट फॉरगेट टू कीप दिस प्लेस इन योर आइटिनरी जब भी आप दार्जिलिंग विजिट कर रहे हो। अब आइटिनरी कैसा रहेगा? बहुत सिंपल है, आपको लाभा में आना है और स्टे करना है। कोलाखाम में भी स्टे कर सकते हो। अगर लाभा में स्टे करोगे तो लाभा मॉनेस्ट्री एंजॉय कर सकते हो और लाभा की खूबसूरती भी एंजॉय कर सकते हो। नेक्स्ट दिन आप जाओगे एक साथ कोलाखाम और छंगी। सिंपल है आइटिनरी। उसके बाद भी कोई कंफ्यूजन रहे तो मैं नेक्स्ट कुछ वीडियो बनाऊंगी जो रिगार्डिंग आइटिनरी होगा, सो वो भी आप देख सकते हो। और डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा, है ना? बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आपको नेक्स्ट मिलते रहेंगे। वन मोर थिंग, मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ आप लोगों के लिए कुछ अच्छा इन्फॉर्मेशन दूँ और कुछ अच्छे कंटेंट बनाऊँ रिगार्डिंग ऑफ विद दार्जिलिंग फिलहाल। सो इस बात पे एक लाइक और एक शेयर तो बनती है। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलूंगी, तब तक कीप ट्रैवलिंग। कहीं दूर पहाड़ों में खो गया, उससे मिले हुए मुझको तो अरसा हो गया।